तो हे नमस्कार दोस्तों, कैसी है पब्लिक। आज हम लोग नया वीडियो लेके आए विप्रो शेयर के ऊपर। ओके, विप्रो शेयर में हम लोग बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी ट्यूसडे को जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें क्या लेवल से टारगेट देखने को मिलने वाले हैं हम लोग को विप्रो में। ओके, विप्रो फिलहाल लगातार गिरावट की सिनेरियो हम लोग को दिखा रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पीरियड से हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, एक लगातार अप ट्रेंड मोमेंटम दे रहा है। ओके, गैप अप पे गैप अप दे रहा है। देखिए गैप अप यहाँ पे गैप डाउन दिया था दो बारी, बट उसके बाद लगातार गैप अप देता जा रहा है। ओके, जो कि हम लोग को एक क्लियर कट टू कट सिनेरियो बताना चाह रहा है कि मार्केट बुलिश हो रखा है धीरे धीरे, बट क्या ये बुलिशनेस कब तक रेगुलर रहेगी या ये वो बुलिश यहाँ से रिवर्स होकर डाउन साइड में आ जाएगा, पूरी डिटेल में एनालिसिस करके बताने वाले हैं आपको। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखें, विप्रो ने लगातार वो कौन सा सिनेरियो बना रहा है, गैप अप सिनेरियो बना रहा है, जो कि हम लोग को एक बुलिश इंपैक्ट दिखाता है। बट अगर आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए गैप अप करता है, देखिए यहाँ पे है गैप अप करा, बट जो उसका हाई है हाई नहीं तोड़ पाता, उसी रेंज में ही निकल जाता पूरे दिन। फिर देखिए लो तो ब्रेक डाउन दे देता है एक बारी, बट हाई नहीं तोड़ पाता। देखिए ये एक बारी करा और इसी का क्लियर कट टू क्लियर सिनेरियो देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यही हुआ है, इसका हाई नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक, बल्कि लोअर। तो देखिए जितनी भी बाइंग होती है वो लास्ट कैंडल में होती है। इसका क्या मतलब है, जितनी भी कैंडल्स आती है बाइंग होती है सब लास्ट कैंडल क्लोजिंग टाइम होती है, वही डिफाइन करती है मार्केट गैप अप जाने वाला या गैप डाउन। ओके, सो देखिए वो तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि वो बिग प्लेयर्स का काम होता है, ठीक, बट हम लोग अपने क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस और अपने लेवल्स को तो डिसाइड कर सकते हैं ना। सो हम लोग का काम क्या है, लेवल्स निकालना। सो देखिए हम लोग अपने लेवल्स कैसे ड्रॉ करेंगे, आएंगे हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में, बिकॉज इसमें अभी स्टॉक में क्या कर रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद अब देखिए डब्ल्यू बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्या बना के डब्ल्यू, कहाँ पे डब्ल्यू, देखिए ये कुछ लोग इसको डब्ल्यू कहेंगे, कुछ लोग डबल बॉटम भी कहेंगे। ओके, डब्ल्यू कहो या डबल बॉटम कहो, ये अपनी नेकलाइन ब्रेकआउट दे चुका है, देख सकते हैं ये नेकलाइन थी इसकी, उसका ब्रेकआउट देके अभी उसके ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। ओके, सो अगर ये अभी तक अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक बुलिश इंपैक्ट दिखाता है हम लोग को, ठीक, इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, ऊपर साइड से रिजेक्शन देखने को मिली है, बट अगर एक और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है हम लोग की, ठीक, वो भी डाउन साइड से रिजेक्शन कैंडल बनती है, सो हम लोग सुपर बुलिश हो जाएंगे, बिकॉज डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो ही चुकी है आधी तक, ठीक। सो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोग अगले लेवल्स निकालने वाले हैं। अब अगले लेवल्स निकालने के क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाएंगे, हायर स्विंग से लेके लोएस्ट स्विंग, अपना जो लास्ट लोएस्ट स्विंग है उसको मैच कर देंगे। देखिए फिबोनाची के रिट्रेसमेंट टूल के हिसाब से देखिए 0.6 का लेवल ये ब्रेकआउट दे चुका है, और अभी मार्केट उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो जब तक मार्केट इसके ऊपर रहने वाला है हम लोग बुलिश होने वाले, बट सुपर बुलिश कब होंगे, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल हम लोग को बना दे देती है सुपर बुलिश हो जाएंगे, और वापस टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग विप्रो में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलने वाली है, और फर्स्ट टारगेट 400 और 390 रुपए तक का टारगेट देखने को मिल सकता है विप्रो में। ओके, सो ये सिनेरियो रहने वाला हम लोग का विप्रो में आगे वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाइएगा, एंड थैंक्स जनता फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड बी प्रॉफिटेबल गाइज़।